ताइवान के बाद देश को 21 दिन तक लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन का आज 7वां दिन है। वहीं लॉकडाउन के दौरान अपने घर की ओर जाने वाले लोगों को भोजन की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सभी होटलें, ढाबे, दुकानें इत्यादि बंद थी। जिसको देखते हुए नयाखेड़ा के ग्रामवासियों और राजनीतिक हलचल की टीम द्वारा पहल करके लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि नयाखेड़ा चौराहे पर नयाखेड़ा ग्रामवासियों और राजनीतिक हलचल की टीम द्वारा लगातार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। भोजन व्यवस्था में लगे लोगों से चर्चा के दौरान ज्ञात हुआ कि रोज लगभग 300 लोगों का भोजन इनके द्वारा करवाया जा रहा है। यह व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान लगातार चालू रहेगी। राजनीतिक हलचल के लिए नयाखेड़ा से अनिल धनगर की रिपोर्ट। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि कर्फ्यू का लगातार आज 7वां दिन है और कहीं रास्ते पे जाने वाले लोग भूखे हैं, उनके लिए आज गांव नयाखेड़ा में पूरे गांव वालों के सहयोग से यहां पे खाने की व्यवस्था करी गई है, जो पूरी टीम लगी हुई है। और लगातार जितने दिन कर्फ्यू रहेगा उतने दिन लगातार एक दिन में 300 लोगों को हम खाना खिलाने का संकल्प लिया है, जो गांव के सभी वरिष्ठ युवा और सभी समाज सेवी लोग इसमें फूल चढ़कर भाग ले रहे हैं। आपके साथ में हूँ अनिल धनगर, आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। कोई व्यवस्था है आपके पास खाने की? और कहाँ नहीं, कुछ भी नहीं है सर, हम बेंगलोर से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अभी हरियाणा जा रहे हैं सर। तो खाने के लिए रास्ते में क्या? नहीं, कुछ भी नहीं था, होटल भी नहीं है सर। कोई व्यवस्था नहीं? नहीं सर। प्रशासन आपकी कोई व्यवस्था कर रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा सर, लट्ठी मार रहे हैं सर। आपने किसी प्रशासन को सलाह दी थी या नहीं? नहीं दिया सर, वो पूरा पुलिस वाला हमारे को मार रहा है उधर महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में मार रहे हैं? हाँ, बहुत मार रहे हैं। आपको कहीं कुछ भी नहीं दिया सर? आपको आज यहाँ मिला नया? हाँ, इधर में मिला, बहुत अच्छा लगा सर हमारे को। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह सर। किस प्रकार आप लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं? ये कोरोना वायरस की जो महामारी बीमारी चल रही है, जो बाहर से आ रहे हैं लोगों के, पूरे गांव के सहयोग से खाना बना रहे हैं और पैकेट बांट रहे हैं। कम से कम रोज 300 जने का खाना बनाने का योजना बनाई गांव वालों ने और रोज बांटा जाएगा। कौन से गांव से हैं? नयाखेड़ा। क्या नाम है आपका? अनिल धनगर, नयाखेड़ा।